अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं सभी का वेलकम करता हूँ। मेरा नाम शफी कुरैशी है, मैं यूपीएस वन ईयर लॉन्ग टर्म का स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपसे आज डिस्कस करूँगा। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीएससी में जो चेंजेस हुए हैं, वॉट एवर दी चेंजेस विच हैज़ बीन डन इन द रिसेंट नोटिफिकेशन विच हैज़ बीन ब्रॉट बाय द यूपीएससी कमीशन एंड वॉट मिस्टेक्स नीड्स टू बी अवॉइडेड, तो उसका हमें थोड़ा सा ख्याल रखते हुए मैं स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइडेंस देना चाहूँगा शाहीन ग्रुप की तरफ से। तो सबसे पहले कि जैसे कई स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं कि किस तरीके से हमें एप्लीकेशंस करनी है और कहाँ हमें किस वेबसाइट पे एक्सेस करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आपको जो है अगर वेबसाइट पे अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपको एक टैब ओपन करके upseonline.nic.in जैसे आप एंटर करते हैं कि सामने ऐसी विंडो ओपन होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन और दूसरे लिंक्स दिए हुए होते हैं, तो आपको यू हैव टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक। नाउ द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक, अ न्यू विंडो विल ओपन दैट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड न्यू रजिस्ट्रेशन। काफी दफा स्टूडेंट्स हमारे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है या ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे जाना है। अगर जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट हैं तो उन्हें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और जो ऑलरेडी स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं उन्हें ऑलरेडी रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करना होता है, ओटीपी जो आपकी मोबाइल नंबर पे आप यहाँ जो एक्टिव फोन आप यूज करेंगे वो आपको एंटर करना है। जैसे आपको जो ओटीपी रिसीव होती है आपके नंबर पे आपको वो एंटर करनी है, और जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आप आगे के फेज में पार्ट वन एप्लीकेशन फिल करने के लिए एलिजिबल होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा, इन सारी एप्लीकेशन प्रोसेस करने के पहले आपको जो है बिफोर हैंड फर्स्ट हैंड में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स वो बिफोर हैंड रेडी रखने हैं, फोटोग्राफ्स के कुछ इंस्ट्रक्शन जो फॉलो करने हैं, 10 डे ओल्ड यानी 10 दिन के पुराने आपके जो फोटो हैं वो नहीं होने चाहिए। अभी मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप अभी एप्लीकेशन कर रहे हैं, 10 डेज के अंदर ही आपने इसको निकाली हो और वही आप अपलोड करें तो आप लास्ट ईयर की ना अपलोड करें, तो ऐसा करने पे कई प्रॉब्लम्स आ सकती है फ्यूचर में आपको। और आप जो भी चीज़ों में आप जैसे हेयर कट में आप उस चीज़ों को आप खींच रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, तो उसी हेयर कट को आपको आगे की प्रोसेस में भी फॉलो करना है, मेंस के एग्जामिनेशन टिल द स्टेज ऑफ इंटरव्यू। तो अगर आप लॉन्ग हेयर हैं तो उसी को फिर आपको लॉन्ग हेयर की आपको कंटिन्यू करना है आगे भी जाके। अगर ऐसा फॉलो नहीं करते हैं तो आपके फॉर्म रिजेक्शन हो सकते हैं फ्यूचर में, मतलब ये प्रॉब्लम हो सकती है, हमको एक समस्या आ सकती है। अब सेकंड चीज़ जो है नेम ऑफ कैंडिडेट आपको जो फिल करनी है वो एज पर मैट्रिकुलेशन आपके जो 10th स्टैंडर्ड है वो आपको एज इट इज़ जो मार्कशीट पे होगा वो एंटर करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त ये टाइम पे चेंज हुआ है, डेट ऑफ फोटो। डेट ऑफ फोटो का मीनिंग ये है कि आपके जो फोटो होंगे वो पहले हम इस तरीके से अपलोड किया करते थे, अब हम जो फोटो अपलोड करेंगे वो 3x4 का जो हिस्सा है आपका वो आपके फेस कवर पे होना चाहिए, और नीचे आपके जो नेम आपको एंटर करना है, फिर ये डेट डालनी जिस डेट पे आपने जो है इस फोटो को निकाला है, तो वो डेट 10 डेज से ज़्यादा ओल्ड ना हो। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, वो 10 डेज के अंदर ही निकाली गई हो। तो डेट ऑफ फोटो हमने कवर कर लिया, और 3x4 स्पेस कवरिंग ये ऑलरेडी मैंने कवर किया है, फिर से मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप मेक श्योर करें इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, और आपके अपेयरेंस सेम होने चाहिए प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में। मान लीजिए आपके हेयर कट जो है आपने अभी बॉल्ड लुक रखा हुआ है तो वो आगे भी वैसी हेयर कट को आपको कंटिन्यू करना है मेंस में, अगर आपने लॉन्ग हेयर रखा है तो उसी चीज़ को हमने आगे भी कंटिन्यू। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है और मैं शेयर करना चाहूँगा कि विथ और हाइट का जो ख्याल रखें आप लोग, मिनिमम 550x550 पिक्सल्स और मैक्सिमम 1000x1000 पिक्सल्स के बीच में आपको रखना है, और साइज आपकी 20 किलोबाइट से लेके 3 किलोबाइट के बीच में होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को देख लीजिए आप लोग। फिर से एक बार मैं रिकैप करना चाहूँगा, 10 डे ओल्ड फोटो नहीं होना चाहिए आपका, नेम ऑफ द कैंडिडेट आपके फोटो पे जो है नेम होना चाहिए, और उस नेम के बाद आपकी डेट जिस डेट पे आपने निकाली है, और आपने नेम मेंशन किया, डेट ऑफ फोटो हो गया, 3x4 स्पेस कवरिंग आपका फेस आपने कर लिया, और आपकी अपेयरेंस सेम तीनों स्टेज में थ्रू आउट सेम रहेंगे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में। विद और हाइट 550x550 पिक्सल्स जो है मैक्सिमम 1000 के पिक्सल में आप रिसाइज कर सकते हैं कोई भी ऑनलाइन टूल में जाके,
या पेन का यूज कर सकते हैं, और साइज 20 किलोबाइट से 300 किलोबाइट के बीच में। और एक और चीज, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट जो है फाइनल ईयर में, कई क्वेरी मैंने रिसीव करी कि फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो ऑनलाइन के एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं, तो 2024 में जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या जिनके पास ऑलरेडी वो फाइनल ईयर का एग्जाम देने वाले होंगे, मे बी इन द मंथ ऑफ मार्च और जून, उनके लिए एक रिलैक्सेशन है। करीब आपका मेन सितंबर अक्टूबर तक होगा, तो तब तक आपके पास आपका जो ग्रेजुएशन का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो एलोकेट हो जाना चाहिए, रिसीव हो जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हैं। तो 2024 में जो लोग फाइनल ईयर एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में से बैठ सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। और आप जब एप्लीकेशन करें तो एज का काफ़ी ध्यान रखें। और ये वेबसाइट है, आप जाके upseonline.nic.in आप इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, यूपीएससी ऑनलाइन नोटिफिकेशन 2024। तो ये जब नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। कहीं आपको कोई भी डाउट हो, कोई इन्फॉर्मेशन कोई इशू हो तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर जिन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन कर दी है, जो भर दिया है जिन्होंने एप्लीकेशन, और अगर उन्होंने इस फोटो फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया है तो वो परेशान ना हो, वो रीएप्लीकेशन ना करें। आपकी जो लास्ट डेट है 5th of March लास्ट डेट है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो 6th of March से 12th of March ऑनलाइन फिर से एप्लीकेशन करेक्शन विंडो एक ओपन करता है यूपीएससी कमीशन। आपके लिए एक मौका होता है, वहाँ आप करेक्शन कर सकते हैं, वहाँ जाके इस फोटो को नेम के साथ अपलोड कर सकते हैं, या कोई डिटेल्स आपसे मिस हुई हो वो डिटेल्स आप वहाँ पे डाल सकते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि इस जो है आपको जो एज गाइडलाइंस दी है उस एज के अंदर ही आपको करना है। कि बहुत बार बाज़दफ़ा ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट जो हैं उन्हें सिर्फ अटेम्प्ट ट्राई करना होता है कि वो 18 years 19 years के होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि चलिए एक मौका दे के देखते हैं, तो वैसी गलती भी ना करें। अगर आप अंडर एज हैं तो पास्ट में कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि बच्चे अंडर एज रह के उन्होंने एप्लीकेशन किए तो वो अटेम्प्ट काउंट हो गए हैं, तो आप लोग ऐसी गलती मत कीजिए। खैर अब तो आधार वैलिडेशन का प्रोसेस आ चुका है और अटेम्प्ट काउंट होने के दूसरे मेथड्स हैं। फ्रेंड्स, मैंने आप सभी से जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है शेयर की, प्लीज़ इसे एक बार गो थ्रू कीजिए। और आखिरी में मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा और आपको ऑल द बेस्ट फ्यूचर ऑफिसर्स को। अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद।